सो गाइस, आज हम आ गए हैं फिर से उसी स्कैरी टीचर गेम को लेकर। तो तुम्हें पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने पहले फर्स्ट राउंड को तो स्केप कर दिया था, लेकिन सेकंड राउंड को भी हम करने वाले थे। बट टीचर ने उस जो हमने पिन रखी थी उसको देख लिया था, और अभी हमारे सामने लिख रहा है कि प्लेस ए पिन, यानी कि एक पिन है जो जिसे ऑन सोफा सोफे के ऊपर रखना है, ताकि मिस्टी टीचर को भाई वो होए, यानी कि तुम समझ रहे हो, और एंजॉय वॉचिंग वीडियो। अब चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो अभी हम चलते हैं सीधा गेम प्ले के अंदर। सो अभी देख रहे हो, ये अभी ये होने वाला है कि ये जो चाय पी रही है अभी, इसको या आधी को पीकर और ये रख देगी टेबल के ऊपर, ठीक है। अभी क्या करना है कि यहाँ पर मुझे जहाँ पर ये बैठेगी उसके ऊपर रखना है मुझे पिन। तो मैं चलता हूँ सीधा, जल्दी से एस्केप करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अभी हम चलने वाले आगे। बस एक बात ध्यान रखनी है हमें, फिर से ये लॉक्ड है, और इसको ओपन करने के लिए हमें जैसा कि इसके नीचे की मिलती है तो उसको निक उठाया और इसको सीधा का सीधा ओपन कर दिया। तो सामने है मेरे भाई ये कतकतिया, यानी कि भाई ये अगर पड़ा तो मेरी हेल्थ को बहुत ज्यादा। और अभी हमने यहाँ से पेन तो उठा ली, और अभी हम इसके रखने वाले हैं सोफे के अंदर, और अभी यहाँ पर इसे रख देते हैं, और इसके ऊपर रखने वाले एक कपड़ा ताकि मैडम को दिखे नहीं। पिछली वीडियो में मैडम ने इसको देख लिया था और हम इसे ढकना भूल गए थे। तो अभी हम बाहर निकलने वाले हैं और देखते हैं कि मैडम आएगी और कैसा लगता है उसे इसके ऊपर बैठने पर, क्योंकि भाई आपको पता है कि हमें लेना है इस वीडियो में पूरा एंजॉय, इस गेम को एंजॉय जरूर करना है गाइस। तो सब्सक्राइब करना ना बोलना। अभी देखते हैं कि ये ओहो आ भाई हो गया ये, आज तो ये इसके भी ओ, अभी ये सोच रही है किसने किया, और ये बहुत तेजी से डांट रही है। लेकिन अभी देख रही है, ओहो अपना पेट यार इतना खुश हो रहा है भाई कि क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। चलो आज तो ये हो गया, अभी हम फिर से करने वाले हैं एक और स्केप, और देखते हैं कि उसको भी हम पूरा करते हैं कि नहीं। तो चलो सीधा गेम प्ले के आगे चलते हैं। मिस टीचर एवलिट्स नो नो बाउंड्स सेट फ्री द पुअर कैट। अच्छा नहीं भाई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अभी इसमें देखते हैं, अभी ये क्या है। अच्छा ये दीवार को साफ कर रही है। चलो चलो दीवार को साफ किया। फाइंड वेयर द कैट इज लॉक्ड अप। अच्छा इसने, मुझे लगता है कैट यानी कि होता है बिल्ली, यानी कि इसने बिल्ली कैट को कहीं छुपा के रखा है और उसे हमें देखना है, यानी कि इसने उसे लॉक किया हुआ है, हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। सो अभी हम कैट को देखने वाले हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ेंगे ऊपर, ताकि हमें कोई ज्यादा देर ना लगे। वैसे सच बात बताऊं तो भाई हमारी टीचर जिम भी करती है, इसने घर में जिम, और इसके घर में इतने सारे रूम है कि भाई इसके अंदर एक मुझे लगता है कि हमारा तो जिले का जिला समाहित हो जाएगा। हर चीज के लिए रूम है। और ये क्या बक्सा, मेरी कुछ भी नहीं, ये तो कुछ अजीब सा ही है। अच्छा इसके अंदर कैट रखी हुई है, अब भी मेरे समझ में आया। अभी इसको तोड़ना कैसे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा मेरी। और सामने कतकतिया, ये क्या है, ट्यूब है ये तो। अभी इसके अंदर क्या है, यहाँ क्या था। अभी इसने यार मतलब कैट को भी तो बंद करके रखा है मैडम, क्या यार, मुझे लगता है कि यही चाबी है। अभी इसे हम करने वाले हैं यूज और देखते हैं कि इससे ये होती है कि नहीं। हाँ ओ भाई, इसको भी हमने क्लियर कर दिया गाइस, इसको भी क्लियर कर दिया, और मैडम को पता पड़ गया। हम सीधा भगने वाले हैं आगे। यहाँ कैन भी रखी है, लेकिन अभी हमें नहीं पीना, हमें प्यास नहीं लग रही, सिर्फ भगना, अपनी जान बचानी है। सो हो गया। सो आज का दूसरा स्केप भी हो गया। तो भाई आज फिर से मैं यहीं को वीडियो को पकड़ता हूँ बंद। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।